नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिन प्रश्नों की बात करेंगे उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है। ठीक है, हमें बताना है कि संख्या की दृष्टि से अभी तक जो भी ढूंढे हुए जीव हैं उन जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है। ऑप्शन ए कवकों की, ऑप्शन बी पादपों की, ऑप्शन सी कीटों की और ऑप्शन डी जीवाणुओं की। तो इसका जो सही आंसर है वह है कीटों की, यानी संख्या की दृष्टि से कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है जो कि अभी तक ढूंढे और पहचाने गए हैं। आगे बढ़ेंगे कि जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। ठीक है, और जो कीट होते हैं यह आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं और आर्थ्रोपोडा संघ में अभी तक लगभग 15 लाख जातियों की पहचान हो चुकी है। ठीक है, जो भी 15 लाख जातियों की पहचान हुई है उसमें लगभग 60% यानी 9 लाख जो जीव हैं वह आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। ठीक है, और जो जंतु होती हैं ये जल स्थल और वायु सभी जगहों में रहते हैं और पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। ठीक है, तो हमने ये बताया है कि जो कीट हैं कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को ऑप्शन ए वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, ऑप्शन बी वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, ऑप्शन सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं और ऑप्शन डी वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, तो गर्म रुधिर वाले जंतु वो कहलाते हैं जो अपने जो शरीर का तापक्रम है वह हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। आगे बढ़ेंगे, इनको हम बोलते हैं समतापी, अर्थात गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक सा रहता है। ठीक है, समतापी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी दोनों आते हैं, जबकि असमतापी जो आते हैं उसमें मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो समतापी और असमतापी, समतापी में है पक्षी और स्तनधारी और असमतापी में है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए स्टारफिश, ऑप्शन बी साफिश, ऑप्शन सी पाइप फिश और ऑप्शन डी गिटार फिश। तो इसका जो सही आंसर है वह है स्टारफिश, यानी स्टारफिश जो है वह मछली का नाम नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि कुछ समुद्री जंतुओं के जो नाम हैं वह मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं लेकिन यह मछलियां नहीं हैं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, हैगफिश, रेजरफिश और क्राईफिश। ठीक है, तो ये भले ही इनके नाम में फिश जुड़ा हो लेकिन यह मछलियों के नाम नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन यानी मछली है। हमें बताना है कि जो नाम दिए गए हैं इसमें कौन सा नाम वाकई में एक मछली का नाम है। ऑप्शन ए रजत मीन, ऑप्शन बी क्रेफिश, ऑप्शन सी जेलीफिश और ऑप्शन डी कैटफिश। तो इसका जो सही आंसर है वह है कैटफिश, यानी कैटफिश एक मछली है जबकि रजत मीन और क्रेफिश और जेलीफिश ये कोई भी मछली नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि जो रजत मीन होता है यह एक छोटा और पंखहीन कीट है। ठीक है, यह कीट है, यह मछली नहीं है। क्रेफिश एक मजबूत खोल वाला जानवर है और जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है, यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि जो कैटफिश है यही वास्तविक मीन यानी मछली है। आगे बढ़ेंगे कि सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है। ऑप्शन ए व्हेल मछली, ऑप्शन सी अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा और ऑप्शन डी ध्रुवीय भालू। तो इसका जो सही आंसर है वह व्हेल मछली, यानी व्हेल मछली जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपाई है।
आगे बढ़ेंगे कि जो विलू भेल या भेल मछली है, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपाई जीव है। इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर और वजन लगभग 180 मीट्रिक टन होता है। आगे बढ़ेंगे कि जुगनू होता है एक, ठीक है, जुगनू जो रात को चमकता है आपने देखा होगा, यह क्या होता है? ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी कृमि और ऑप्शन डी सूत्रकृमि। तो इसका जो सही आंसर है वह है कीट, यानी जो जुगनू होता है यह एक प्रकार का कीट होता है। आगे बढ़ेंगे, जुगनू, जुगनू को ही हम खगोत के नाम से जानते हैं, ठीक है। जुगनू या खगोत कीटों का एक परिवार है, इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकर्षित करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जुगनू की जो चमक है यह ल्यूसीफेरेस नामक एंजाइम के कारण होती है। अगर पूछा जाए कि जुगनू जो चमकता है वह किस एंजाइम के कारण चमकता है, तो उसका नाम है ल्यूसीफेरेस एंजाइम। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? ऑप्शन ए छिपकली, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी घरेलू खटमल और ऑप्शन डी मच्छर। तो इसका जो सही आंसर है वह है तिलचट्टा, यानी तिलचट्टा का जो रक्त है यानी खून है यह सफेद रंग का होता है। आगे बढ़ेंगे कि ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग ना करने के कारण तिलचट्टे का खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इसका रक्त रंगहीन या सफेद रंग का होता है, ठीक है। तो ये हमने बताया कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन का परिवहन है वह हीमोग्लोबिन के माध्यम से ना होके सीधे ही कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन एक ट्यूब के माध्यम से हो जाता है, इसलिए इसका जो ब्लड है वह सफेद या व्हाइट रंग का होता है। आगे बढ़ेंगे कि जब चींटियां काटती हैं तो वे क्या अंतःक्षेपित करती हैं, ठीक है। चींटी ने आपको काटा तो ऐसा क्या कर देती हैं कि आपको पता चल जाता है कि चींटी ने हमको काटा है? ऑप्शन ए ग्लेसल एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी मैथेनॉल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल और ऑप्शन डी स्टेरिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वह फॉर्मिक अम्ल, यानी जब वो काटती हैं तो वह हमारे शरीर में कुछ मात्रा फॉर्मिक अम्ल की प्रवेश कर जाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि चींटी ने हमको काटा है, ठीक है। तो चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुन चुनाहट का आभास होता है, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि चींटी ने काटा है। और फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय में और फलों के रसों को सुरक्षित करने में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टसर रेशम, ऑप्शन बी मूंगा रेशम, ऑप्शन सी गौसीमर रेशम और ऑप्शन डी अहिंसा रेशम। तो इसका जो सही आंसर है वह गौसीमर रेशम कहलाता है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, ठीक है। रात्रिचर किस ग्रुप के जंतु होते हैं? तो यह मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये रात्रिचर प्राणी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। तो रात्रिचर जंतु वे होते हैं जो दिन में आराम करते हैं किंतु रात में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में श्रवण और घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं और दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। इसमें मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु जो हैं वह रात्रिचर होते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।